ओम शांति। ये जो संगम युग की अनमोल घड़ियां जा रही है, टिक टिक करके आगे बढ़ रही हैं, ये फिर वापस नहीं आएंगी। बाबा ने कहा है बच्चे, ये समय आपके लिए स्थूल धन से भी बहुत बहुत मूल्यवान है, इसलिए इस समय को सफल करो, और ऐसे सफल करो कि आने वाले कई युगों तक किसी भी चीज का बात का अभाव ना हो। और यही जन्म है, आने वाले पूरे कल्प के लिए अपनी भाग्य की नींव रखने का, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का। तो इस समय को सफल करो, और ये समय तभी संपूर्ण सफल होगा। पुरुषार्थ की हर बात में सफलता विजय तभी होगी जब हम स्वस्थिति में स्थित रहेंगे। बाबा ने कहा, कई बच्चे 50-60 वर्षों से, 20-30 वर्षों से भी पहले ही लेसन को पक्का नहीं कर पाए हैं, स्वस्थिति को पक्का नहीं कर पाए हैं। वो है, मैं कौन हूं, मैं इस शरीर में कहां से आई हूं। तो स्वस्थिति माना, मैं एक आत्मा हूं, भृकुटी सिंहासन पर विराजमान, एक चमकती हुई मणि हूं, परम धाम से इस तन में अवतरित हूं। तो मैं कौन हूं, अर्थात स्वयं को देही अभिमानी बनाना। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनने से ही सर्व विकारों से मुक्त बनेंगे, पुराने स्वभाव संस्कारों से फ्री होते जाएंगे, और तभी इस पुरुषार्थ में सहज ही आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए पुरुषार्थ का संपूर्ण आधार है स्वस्थिति, और इसलिए अपनी स्वस्थिति को पक्का करो। मैं कौन हूँ, ये अनुभव हमें चलते फिरते बात करते सहज हो, स्वतः हो, तो इस अभ्यास को बढ़ाओ। स्वस्थिति बहुत शक्तिशाली है, जिसमें कोई भी बात परिस्थिति हमारे सामने नहीं टिक सकती है। और जब हम देह अभिमान में होते हैं, तभी माया का वार होता है, सर्व कमी कमजोरियों के सागर में हम घिर जाते हैं, क्या क्यों के प्रश्नों में डूब जाते हैं। तो इसलिए अब स्वस्थिति को पक्का करो, देही अभिमानी बनने के अभ्यास को नेचुरल करो। यही सारे पुरुषार्थ का बेस है, नींव है। तो रोज हम, जब भी हमें समय लगे, हम फ्री हों, इस अभ्यास को करो और गहराई से अनुभव करो। मैं कौन हूँ, मैं मस्तक में विराजमान एक मणि आत्मा हूँ, मैं अति पवित्र हूँ, शांत हूँ, आनंदमय हूँ, मेरे कौन कौन से गुण हैं, उनका सिमरण करो, और ये मेरा वस्त्र है, इसे अनुभव करो। जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर रूपी वस्त्र को, गाड़ी को धारण किया है, ये सूक्ष्म अनुभूति हमें देही अभिमानी बनाती जाएगी, और बाबा के करीब और भी उसकी पालना का, शक्तियों का, करंट का अनुभव देगी। इसलिए मैं कौन,
मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो मात्र मेरा वस्त्र है जिसे मैं आत्मा चला रही हूँ। आँखों से देखती हूँ, मुख से बोलती हूँ, हाथों से कर्म करती हूँ, ये सब कुछ मेरे द्वारा ही हो रहा है। मैं शरीर की राजा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ। तो ये स्मृति अब सदा नेचुरल करते जाओ तो पुरुषार्थ में बहुत तीखी हमारी स्पीड होने लगेगी। बाबा ने जो भी श्रीमत दी है उसको हम सहज ही जीवन में धारण कर सकेंगे और इस पुरुषार्थ के मार्ग पर सदा सफलता मूर्त बनकर और ही ऊपर बढ़ते जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, आज से इस अभ्यास के लिए रोज टाइम दो, इस अभ्यास को पक्का करो। ओम शांति।